यार हमारे इस YouTube चैनल को आप एक बार देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए रिलेटेड टू कोर्सेज, वो बी एड इंजीनियरिंग, बी एड मेडिकल कोर्सेज, बी एड यू ऑफ फैशन डिजाइन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनी मैनी मोर, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हमने कवर करे हैं। आज फिर हम पहुंच गए हैं एंड टुडे इट इज द टाइम फॉर लॉ रिलेटेड कोर्सेज इन एटलीनी। हम कायदे कानून की बात करेंगे, जाने की कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, कौन से कोर्सेज आपके लिए बेस्ट है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, फीस कितनी होती है, स्कॉलरशिप के साथ आपको कितना पे करना है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। चलिए लॉ रिलेटेड कोर्सेज की आप बात कर रहे हैं तो एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि बहुत ज्यादा ही आपको अवेलेबल नहीं है इफ यू आर गोइंग फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन इटली। फर्स्ट थिंग मैं आपको बिल्कुल डिस्क्लेमर दे रहा हूं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है फर्स्ट। सेकेंड, हम जितने भी कोर्सेज की बात करते हैं, जितनी भी आज तक आपने हमारे चैनल पे वीडियोस देखी है, एवरीथिंग इज अबाउट इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स इन इटली। जितने भी मैं आगे भी इस वीडियो में बताऊंगा या आगे जितने भी हमारे इस चैनल पर अपलोड होंगे, सारे कोर्सेज इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं। सो जब इन फैक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो यू विल सी दैट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स की लिस्ट थोड़ी कम हो जाती है। बहुत स्पेसिफिक है वो, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एट द सेम टाइम इफ आप मुझसे पूछते हैं कि क्यों करना चाहिए, तो यार सबसे बड़ा रीजन स्कॉलरशिप, क्योंकि जब नियम कायदे कानून और ऐसे कोर्सेज आप करने जाते हैं तो फीस इज कंपैरेटिवली लिटिल हाई। सो दूसरी कंट्रीज से कंपैरेटिवली आप देखेंगे देन इटली इज अ गुड ऑप्शन। उनकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए और अराउंड 8 लाख इंडियन रुपीज के साथ आप स्कॉलरशिप के बेस पर आपका पूरा कोर्स कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स की हम बात करते हैं तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दीज आर सम कोर्सेज दैट यू कैन डू फ्रॉम इटली, पब्लिक एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, लीगल स्टडीज, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस एंड मैनी मैनी मोर, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये जो डेटा है दिस इज फॉर 2024 सितंबर इनटेक, दैट मींस जो ये नया इनटेक ओपन हुआ है आपका 2025 वाला फॉर सितंबर, इसकी जो अभी डिटेल्स है वो अभी आउट नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटीज ओपन नहीं हुए हैं, उनके कोर्सेज की लिस्ट नहीं आई है। सो जो मैं बताने वाला हूँ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ध्यान रखिएगा कि आगे जाके ये लिस्ट बदल सकती है। कैसे? न्यू कोर्सेज ऐड भी हो सकते हैं, कुछ कोर्सेज रिमूव भी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम सेम गोज विथ यूनिवर्सिटी टू, यूनिवर्सिटीज आपकी इससे भी ज्यादा हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। सो हम आपको सिर्फ एवरेज बता रहे हैं इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इन कोर्सेज को करने के लिए। सबसे पहले आप आइल्स को देखिएगा, तो इफ यू आर गोइंग फॉर दिस कोर्सेज आइल्स आपका मैंडेटरी है, वो मानकर चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो आप कोर्स कर रहे हैं बहुत काइंड ऑफ अ टिपिकल कोर्स है, तो आइल्स आप लेकर चलिए। 6 बैंड आपको लगने वाले हैं। एट द सेम टाइम आपका जो बैकग्राउंड है रिलेवेंट बैकग्राउंड होना चाहिए, जो हमारे वीडियो में बोलते हैं आपका लॉ हो सकता है, इट कैन बी पॉलिटिक्स, इट कैन बी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इट कैन बी सोशियोलॉजी टू। अगर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने प्रीवियसली पढ़ाई करी है तो आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज में एक चीज़ का आप और ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी कंट्री स्पेसिफिक कोर्स के लिए जाते हैं जिसमें आप उस कंट्री के लॉ, नियम, कायदे कानून जान रहे हैं, तो चांसेस आर कि आपको सेकेंडरी लैंग्वेज भी पूछ सकते हैं जो आपको आनी चाहिए, अदर देन इटालियन एंड इंग्लिश। इफ दे आस्क, दे माइट आस्क यू फॉर यार स्पेनिश आपको आनी चाहिए, दे माइट से कि आपको जर्मन आनी चाहिए या फ्रेंच आनी चाहिए, बिकॉज आप उससे रिलेटेड कोर्स पढ़ रहे हैं। सो इस चीज़ का पहले से ध्यान रखें वाइल चूजिंग योर कोर्स इन इटली। परसेंटेज रिक्वायरमेंट की मैं आपसे बात करूं तो बी एड बैचलर्स और मास्टर्स दोनों में अगर आप कोई सिंपल एवरेज यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 55% होना चाहिए। एट द सेम टाइम इफ यू आर टारगेटिंग अ टॉप क्लास यूनिवर्सिटी इन इटली, टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए, सो यू शुड हैव 70% इन योर प्रीवियस एजुकेशन। अब इसी में अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको टॉल ई की रिक्वायरमेंट हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कोर्स यू आर गोइंग फॉर एंड द यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग फॉर, इस पर डिपेंड करेगा, बट यस इफ रिक्वायर्ड टॉल की आपको देना पड़ेगा। गैप ईयर्स की बात करूं तो इट रिमेन सेम, 5 ईयर्स फॉर बैचलर्स एंड 8 ईयर्स फॉर मास्टर्स, इतना एक्सेप्टेबल है। अब इसी में एक चीज और भी हो सकती है, दैट इज अबाउट योर ऑनलाइन इंटरव्यू। कुछ यूनिवर्सिटीज में या कुछ कोर्सेज के लिए आपको बोल सकते हैं कि यार पहले हम आपका इंटरव्यू लेंगे, बेस्ड ऑन विच दे विल डिसाइड अबाउट योर फ्यूचर विद दैट यूनिवर्सिटी। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, एंट्रेंस में ये आपके साथ हो सकता है। फीस की बात करूँ विदाउट स्कॉलरशिप एंड एवरीथिंग, सो इसके बिना आपकी 400 यूरो टू 4000 यूरोस इसके बीच में आपकी फीस हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी एंड कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर।
चलिए अब आप स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो यस, स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल बेसिक मैं आपको बताऊं, सबसे पॉपुलर तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है इटली में। अगर आपको नहीं पता है तो अराउंड 8 लाख इंडियन रुपीज सितंबर इंटेक ऑफ 2025 वाले स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं, जो कि थोड़ा ईजी है अवेल करना बिकॉज ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है। अदर देन दैट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी आपको मिल जाएगी, अलॉन्ग विद गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी एंड कोर्स यू आर गोइंग फॉर। इंटेक्स की आप बात करेंगे तो सबसे मेजर एंड पॉपुलर आपको बेसिक पता होगा दैट इट इज सितंबर इनटेक ऑफ 2025, जो कि अभी आपके लिए ओपन हो रहा है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे ओपन हो रही है, तो इस चीज को ध्यान में रखें एंड सितंबर इनटेक इज व्हाट यू विल टारगेट फॉर योर फर्दर स्टडीज। नाउ कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में आप उनसे पूछेंगे तो इट रिमेन्स सेम, 3 साल का आपका बैचलर्स का डिग्री होगा एंड एट द सेम टाइम 2 ईयर्स फॉर योर मास्टर्स कोर्स इन इटली। अब प्रोसेसिंग टाइम की आप बात करें तो आपका प्रोसेस लंबा है, बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है इस प्रोसेस को करने में। इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं आप, प्रोसेस में टाइम लगेगा, 8 से 10 महीने भी लग जाते हैं। We will suggest you, बिल्कुल बेसिक यही है कि जल्दी से जल्दी आपका प्रोसेस स्टार्ट करवाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीधे यूरो ड्रीम्स के थ्रू आप प्रोसेस शुरू कर दीजिए, बट इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू इटली और आपको क्लियर है कि आपको इटली जाना है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, इट इज़ हाई टाइम। बिल्कुल जैसे ही यूनिवर्सिटीज ओपन होती है फर्स्ट कॉल में अप्लाई कर दीजिए, चांसेस आर दैट यू विल गेट योर एडमिशन। जल्दी से जल्दी एडमिशन प्रोसेस आपका स्टार्ट करिए। हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो एक बार फ्री काउंसलिंग सेशन के लिए कॉल करिएगा इस नंबर पर, और इंडिविजुअली आपकी प्रोसेस कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज दैट ऑफर लॉ रिलेटेड कोर्सेज इन इटली। यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, स्क्रीन पर लिस्ट देखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा, मिलान, बोलोनिया, सियाना, ट्यूरिन, मेसरेटा एंड अदर यूनिवर्सिटीज टू। ये हमने एक बेसिक लिस्ट आपके लिए निकाली है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें ऐड भी हो सकती है यूनिवर्सिटीज, एट द सेम टाइम कम भी हो सकती है इन द अपकमिंग इनटेक ऑफ सितंबर इनटेक ऑफ 2025। नाउ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो बिल्कुल स्क्रीन पर एक बार चेकआउट करिएगा, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या जो आपने प्रीवियस एजुकेशन में किया है वो सब आपका लगने वाला है। 12th की मार्कशीट, बैचलर्स की मार्कशीट, आइल्स आपने दिया तो 6 बैंड आपके आइल्स के लगेंगे। टॉल की इन सम यूनिवर्सिटीज अगर आपसे मांगा जाता है तो देना है आपको। वैलिड पासपोर्ट हो गया, आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो इट इज़ रियली अ गुड थिंग। एट द सेम टाइम SOPs आपके लिए लगते हैं, यूरोपास CV आपको बनाना पड़ता है एंड देर आर सम अदर डॉक्यूमेंट्स टू विच वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सो यस, दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही था, लॉ रिलेटेड कोर्सेज में यही था। आप ऐसे और कोर्सेज आपके लिए और लेकर आएंगे हम, एक बार चैनल को जरूर चेकआउट करिएगा। नहीं मिल रहा है, कॉमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, जो आप कोर्स बताएंगे उस पर वीडियोज हम लेकर आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।